चांगेरी यह भारत वर्ष में सभी उष्ण प्रदेशों में पाए जाने वाली वनस्पति है। यह सभी ऋतुओं में पाई जाती है। इसका उपयोग आयुर्वेद औषधि में किया जाता है। इस वनस्पति का वर्णन आयुर्वेद संहिताओं व निघंटुओं में मिलता है। चरक संहिता 7 वर्ग व अमर स्कंद में इसका उल्लेख किया गया है तथा इसका प्रयोग अतिसार, दस्त व अर्स बवासीर आदि के उपचार के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त सुश्रुत संहिता के 7 वर्ग में भी इसका वर्णन किया गया है। इसके पत्ते अम्लीय होते हैं, इसलिए इसे संस्कृत में अम्ल पत्रिका कहा जाता है। इस पर पुष्प और फल वर्ष भर मिलते हैं। इसकी 2 प्रजातियां होती है, एक छोटी चांगेरी और दूसरी बड़ी चांगेरी। परंतु मुख्यतः छोटी चांगेरी का प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से छोटी चांगेरी परिचय। यह 6 से 25 सेमी लंबी जमीन पर फैलने वाली आरोही और शाखीय होती है। इसके पत्ते छोटे एवं गोलाकार होते हैं। इसके पुष्प पीले वर्ण के गुच्छों में लगते हैं। इसके फल 2 सेमी तक लंबे होते हैं, जिनमें बीज होते हैं। आयुर्वेद में अधिकतर इसी चांगेरी का औषधीय उपयोग होता है। चांगेरी के औषधीय गुण और प्रभाव। चांगेरी अम्लीय और स्वाद में थोड़ी कड़वी और कसाई होने के साथ इसकी तासीर गर्म होती है। यह कफवात सूजन दूर करने वाली, पित्त को बढ़ाने वाली, वेदना स्थापक, लेखन या खरोचना, शराब का नशा छुड़वाने में मददगार, खाने की रुचि बढ़ाए, दीपन, लीवर को सही तरीके से काम करवाने में सहायक और हृदय के लिए स्वास्थ्य वर्धक होती है। रक्त स्तंभन, दाह, प्रशमन और जरग्न, यह विटामिन सी की अच्छी स्रोत है। चांगेरी दर्द निवारक, पाचक, भूख बढ़ाने वाली, लीवर को सेहतमंद बनाने वाली, मूत्रल यानी कि डायुरेटिक गुण, बुखार कम करने में सहायक, जीवाणुरोधी, कृमि निसारक, पुई रोधी, एंटीसेप्टिक होती है। अन्य भाषा में चांगेरी के नाम। चांगेरी का वानस्पतिक नाम ऑक्जेलिस कॉर्निक्युलेटा है। चांगेरी ऑक्जिलेसी कुल का है। भारत के विभिन्न प्रांतों में चांगेरी भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। संस्कृत में चांगेरी दंत सठा, कुशली, अम्लपत्र। हिंदी में चांगेरी तीन पतिया, अम्बी लोना, चुका लिपत्ती। गुजराती में चांगेरी आंबा पोती और अंबोली कहते हैं। अंग्रेजी में इंडियन सोरल। चांगेरी में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व वाइटेसिन, ऑक्जेलिक अम्ल, विटामिन सी, साइट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। चांगेरी के रोग अनुसार प्रयोग एवं फायदा। यह जड़ी बूटी विटामिन सी और रासायनिक अम्लों का अच्छा स्रोत है। इसका उपयोग अतिसार, अजीर्ण एवं अर्श जैसे रोगों में अधिक किया जाता है। आइए जानते हैं रोगानुसार इसका उपयोग कैसे किया जाता है और क्या क्या फायदा है। उदर रोगों को ठीक करने के लिए चांगेरी का उपयोग बहुत फायदेमंद है। चांगेरी का उपयोग उदर के सभी विकारों में लाभकारी है। इसका पेट रोगों में उपयोग किया जाता है। पेट दर्द, चांगेरी के पत्र का क्वाथ भुनी हुई हींग के साथ सेवन करें। जलन और बेचैनी, पत्तों को पीसकर मिश्री मिलाकर सेवन करें। अतिसार, चांगेरी का स्वरस पिए। मंदाग्नि, इसके पत्तों और पुदीना पत्तों को पीसकर पीने से लाभ होता है। चांगेरी के पत्तों की चटनी बनाकर खाने से पाचन ठीक होता है और भूख भी बढ़ती है। बवासीर रोग में चांगेरी के फायदे और उपयोग। निशोथ, दंती, पलाश, चांगेरी, चित्रक के पत्तों के साग को घी या तेल में भूनकर दही मिलाकर
सेवन करने से शुष्क अर्श में बहुत लाभ होता है। गुरुद्वंश, चांगेरी दूध का सेवन करने से इसमें बहुत लाभ होता है। 5 से 10 मिली चांगेरी पंचांग का स्वरस का सेवन करने से अर्श में लाभ होता है। चांगेरी पंचांग को घी में सेक कर साग बनाकर दही के साथ सेवन करने से बवासीर में फायदा होता है। सिर दर्द में फायदेमंद है चांगेरी। अगर आपको कान के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी के वजह से सिर दर्द की शिकायत रहती है तो चांगेरी का घरेलू उपचार बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। चांगेरी के रस में सम भाग प्याज का रस मिलाकर सिर पर लेप करने से शरीर में पित्त के बढ़ जाने के कारण सिर दर्द होने पर इससे आराम मिलता है। नेत्रों के लिए गुणकारी है। आंखों में जलन, पानी आना आदि रोगों में यह जड़ी बूटी बहुत उपयोगी है। इसके स्वरस को आंखों पर लगाने से इन सभी समस्या से लाभ मिलता है। कान के रोगों में भी उपयोगी है चांगेरी। इसके पंचांग के स्वरस को कान में डालने से कान में दर्द एवं सूजन की समस्या में लाभ होता है। त्वचा रोग में चांगेरी का उपयोग। इसका उपयोग पित्तजन्य त्वचा विकारों में किया जाता है। इसके पंचांग के स्वरस को काली मिर्च चूर्ण तथा दूध के साथ मिलाकर लगाने से पित्तजन्य त्वचा रोगों में बहुत फायदा होता है। मूत्राशय में सूजन से दिलाए राहत चांगेरी। मूत्राशय का सूजन होने पर चांगेरी का सेवन इस तरह से करने पर जल्दी आराम मिलता है। चांगेरी के पत्तों को शक्कर के साथ पीसकर शरबत बनाकर पीने से मूत्राशय शोथ, मूत्राशय में सूजन, तृष्णा यानी कि प्यास तथा जवर या बुखार से जल्दी आराम मिलता है। मसूड़ों के रोग से दिलाए राहत चांगेरी। चांगेरी में कसाई रस होता है जो दांतों और मसूड़ों को आराम देता है। इसी गुण के कारण चांगेरी को टूथपेस्ट के घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चांगेरी के पत्तों के रस से गरारे करें, इससे मसूड़े के दर्द और सूजन से आराम मिलता है। साथ ही मसूड़ों से होने वाली ब्लीडिंग को रोकने में भी सहायक है। चांगेरी के उपयोगी भाग। आयुर्वेद में चांगेरी के पंचांग एवं पत्र का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है। औषधि के रूप में होता है। चांगेरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? बीमारी के लिए चांगेरी के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बताया गया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए चांगेरी का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। चिकित्सक के परामर्श अनुसार 20 से 40 मिली पत्ते का काढ़ा, 5 से 10 मिली रस, 5 से 10 ग्राम घी चांगेरी दूध का सेवन कर सकते हैं। चांगेरी के दुष्प्रभाव क्या है? यह जड़ी बूटी अनेक रोगों के इलाज के लिए काम आती है। सामान्यतः इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता। यह पित्त वर्धक है, इसलिए पित्त वृद्धि के कारण होने वाले रोगों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि चिकित्सक की सलाह से इसका उपयोग करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करें ताकि वह भी अपने जीवन में लाभ उठा सके। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।